बाबा कहते हैं बिगर कहे करे सो देवता, बिना ही कहे काम कर दे अकल से समझ करके कि ये काम पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, लोग आते जाते हैं देखते हैं बर्तन पड़े हुए हैं, तो अकल तो है ना। तो जो अकल वाला है, बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है, उसको कोई कहे बैठ करके तो ये बर्तन मल दो कि अपने आप मलने लगे हैं, अपने आप करे सो देवता, और नहीं करता है। 20 बार देख लिया कि यहाँ पड़े हुए हैं, आने वाली पब्लिक भी देखती जाती है, माताएं आती हैं देखती जाती है, नए नए जिज्ञासु आते हैं देख लेते हैं, हाँ ये तो ढेर के ढेर बर्तन पड़े हुए, तो भी नहीं करते। तो बिगर कहे कर दे अगर, तो कौन से धर्म का है? वो ही देवता धर्म का है। और फिर कहे, अरे भाई ये इतना पड़ा हुआ है लोग क्या कहेंगे, कर दो ना, तो कर दे, तो कौन? तो मनुष्य। और कहने से भी ना करे तो मनुष्य से नीचे और कौन होता है? है जानवर कहो राक्षस कहो, उसकी अकल में नहीं आता है। क्या चक्कर है, क्यों कहते हैं? वो गंदे बर्तन पड़े रहेंगे तो कल खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो बाबा कहते हैं बिगर कहे करे सो देवता, लेकिन श्रीमत तो ये भी है कि कदम कदम पर श्रीमत लेना है। तो कदम कदम पर श्रीमत लेना है या बिगर कहे करना है? हैं? बर्तन मलना सेवा नहीं है? तो वो सेवा करने के लिए श्रीमत लेनी है? हैं? अरे मुरली में पहले से ही श्रीमत मिली हुई है, श्रीमत नहीं मिली हुई है। श्रीमत तो ये मिली हुई है कि अपनी सेवा तो अपने आप करनी ही करनी है और दूसरों की भी सेवा करनी है, यज्ञ सेवा भी करनी है। ये शरीर के लिए जो सेवा है उसके लिए तो 8 घंटे दिए हैं, अपने कपड़े साफ करो, अपना खाना बनाओ, ये किसकी सेवा है? अपनी सेवा है। तो नई बुद्धि में बात आती है तो पूछा है कि श्रीमत कदम कदम पर लेना है या नहीं लेना है? अरे बर्तन पड़े हुए हैं तो कदम कदम पर श्रीमत लेने की क्या बात है, वो तो ऑलरेडी श्रीमत मिली हुई है।